हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। आप अपनी किसी भी कमीज़ पर इस तरीके का नेक डिज़ाइन बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चूड़ीदार्स पर, कुर्तीज़ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पर। इसकी लंबाई हमने यहाँ पर ली है 14 इंचेस और इसकी चौड़ाई यहाँ पर है 8 इंचेस। सबसे पहले आपको अपनी बुकरम को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। सबसे पहले आपको अपने गले की चौड़ाई के निशान लगाने 3 इंच पर, और अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनती हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं, और अगर कम पहनते हैं तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकती हैं। अब हम अपने नेक की डीपनेस के निशान लगा रहे हैं, तो जो कि हमने 6.5 इंच पर लगाया है। अब आप अपने नेक की इस तरीके से गुलाई दे दीजिए। हम यहाँ पर थोड़ा पांच शेप में गुलाई दे रहे हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने नेक की डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे, तो जो कि जिसकी ब्रॉडनेस हम 1 इंच रख रहे हैं, इस तरीके से 1 इंच पर आप निशान लगा लीजिए। और ये आपको अपने डिज़ाइन की कितनी लेंथ रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7 इंच अपने डिज़ाइन के लिए लेंथ रख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने नेक के बाद इसका निशान लगाएं डिज़ाइन का। तो हमने अपने नेक के बाद अपने डिज़ाइन के लिए निशान लगाया है। अब आप अपने नेक के लिए ब्रॉडनेस के निशान लगाइए, तो जो कि आपने यहाँ पे 1 इंच का लगाया है, तो इस तरीके से यहाँ भी आपको 1 इंच पे ही निशान लगाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से नेक की कटिंग करने के लिए अब आपको इसमें बीच में एकदम कट लगाना है। इस तरीके से इसको बीच में से सेंटर करिए और इसके सेंटर पे इस तरीके से निशान लगा दीजिए और इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब नीचे से करीब आधा इंच ऊपर एक निशान लगाइए और इसको यहाँ से सेंटर से कट कर देना है आपको। मेक श्योर आप सेंटर में कट करें। तो ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम इसे अपने कपड़े पर लगाएंगे। आपको अपने कपड़े पर इसको सिलाई करके लगा लेना है, और अगर आप पेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेस से चिपका भी सकते हैं। तो हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले सबसे पहले नेक को इस तरीके से कपड़े पर रख लीजिए और इसको हम सिलाई करके अपने कपड़े से जोड़ देंगे। मेक श्योर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएं। अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है, और यहाँ पर करीब आपको आधा आधा इंच कपड़ा रखते हुए कटिंग करनी है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बाहर वाली साइड से आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसे, और ये जो आपके गलाई वाले हिस्से हैं यहाँ पर आपको छोटे कट लगा लेने हैं इस तरीके से। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने पूरा अंदर फोल्ड कर लिया है। अब इस नेक को हम अपने सूट पर लगाएंगे। सबसे पहले आपको इस अपने कमीज़ का सेंटर कर लेना है। इस तरीके से इसको बराबर कीजिए और ये आपको सीधी तरफ की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी तरफ आपको सेंटर करना है। इधर से ये बराबर रखिए।
और अब इस तरीके से निशान लगा लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमने सेंटर कर लिया है और अपने नेक पर भी हमने इस तरीके से कट करके सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाकर इस तरीके से रखना है और ये हमारा सीधे साइड आपको इस तरीके से अपना बुकरम रखना है और ये अपने बुकरम का सीधा साइड है और ये आपके सूट का सीधा साइड है। तो आपको दोनों सीधे साइड एक तरफ रखते हुए इस तरीके से इसको सेंटर मिलाना है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग बिल्कुल आपको अपने बुकरम के बिल्कुल साइड साइड में बराबर बराबर में पूरे में यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस कोने तक आपको सिलाई करने के बाद इस तरीके से अपने बूट को उठा लीजिए और अपने कपड़े को आपको घुमाना है, लेकिन आपको सुई अपने कपड़े के अंदर ही रखना है ताकि हमारा टाका इधर उधर ना हो जाए। तो हमने इस तरीके से सुई अपने कपड़े के अंदर ही रखी है। अब हम अपने कपड़े को घुमा लेंगे इस तरीके से। तो अब ये बूट इस तरीके से नीचे कर दीजिए और यहाँ पर आपका कपड़ा नहीं है तो आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बुकरम के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक नीचे तक इस तरीके से। देखिए, जहाँ तक हमने अपने बुकरम पर कट किया था वहीं तक हमने सिलाई लगाई है। अब फिर से आपको इस तरीके से बूट उठा के अपने कपड़े को घुमा लेना है और यहाँ पर पक्की सिलाई करनी है और फिर से इस तरीके से घुमा लीजिए और जिस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगाई थी उसी तरीके से आपको इस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने पूरे बुकरम के साइड साइड में सिलाई लगा ली है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, कटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका कपड़ा इस तरीके से आधे आधे इंच आपको एक्स्ट्रा रखकर कटिंग करनी है। अब हम इसके बीच में कटिंग करेंगे और अब इसके गुलाई वाले हिस्सों पर आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और ये नोक आपको अच्छे से निकाल लेनी है इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगाकर इसको रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक बनकर तैयार है। तो अब हम अपने पोटली बॉल्स का यूज़ करेंगे और आप उसको एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम उसे कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से 2x2 इंचेस की इस तरीके से एक स्क्वायर कटिंग कर लेना है। आपको जितने भी बटन्स बनानी है उतने ही आपको इस तरीके से स्क्वायर्स कटिंग कर लेने हैं और अब इसी के मैचिंग का एक कपड़ा लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। तो ये इस तरीके से कटिंग कर लीजिए पूरा और इसको अपने हाथ के बीच में रखिए। और इसको इस तरीके से आपको रोल करना है। ये देखिए, इस तरीके से रोल कर लीजिए और इसको आपको अपनी इस कपड़े के बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरीके से। और आप चाहें तो इसी
इस इतना ही बड़ा एक स्क्वायर काटिए अपने नेट के कपड़े का, उसको और ज़्यादा फैंसी बनाने के लिए। तो वहाँ पे हमने इस तरीके से ये कट कर लिया है और इसके ऊपर ये रख लीजिए सीधी तरफ से, और इसको सेंटर में ही रखना है आपको। इस तरीके से इसको पकड़िए और ये एकदम आपका एकदम इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर सामने आपके कोई भी बल्जेस नहीं आने चाहिए। अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो इसको फिर से आप खोलिए और इसको बिल्कुल सेंटर में आपको पकड़ना है इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब सुई धागे की हेल्प से इसको आपको बांध देना है इस तरीके से। इसको टाइटली आप बांध दीजिए और यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए। और अब यहाँ पर जितना भी एक्सेस कपड़ा आ रहा है इसको आप रिमूव कर दीजिए कटिंग कर। अब इसी तरीके से आपको जितने भी बटन्स बनाने हैं आप इसी तरीके से पूरे बटन्स बना के रेडी कर लीजिए। फ्रेंड्स बाय द सेम वे हमने ये सारी पोटली बॉल्स बना ली हैं। अब इसको हम अपने नेक पर यूज़ करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर रखकर आप इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं, बट हम इसे एज अ बटन यूज़ करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इसको रखिए और जितना भी एक्सेस कपड़ा था हमने कट कर दिया है, इसको इस तरीके से यहाँ पर रखिए और सुई की हेल्प से आपको यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। सो फ्रेंड्स हमने सुई की हेल्प से ही सारी पोटली बटन्स लगा लिए हैं। मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी शेयर किया है कि हम पोटली बॉल्स कैसे बना सकते हैं यूजिंग सिंपल ट्रिक्स। आप उसको ज़रूर चेक करें, मैं उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या मैं इधर कहीं लिंक कर दूंगी आपके लिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इस डिज़ाइन को कम्प्लीट करने के लिए डोरी का इस्तेमाल करेंगे, डोरी से हम लूप्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैं रेडीमेड डोरी, इस तरीके की रेडीमेड डोरी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मैचिंग कपड़े से भी बनाकर डोरी, उरेप पट्टी की डोरी बनाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और चाहे तो आप मैचिंग डोरी बनाकर भी इसकी कटिंग करके इसमें लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से रखिए और इस तरीके से ये नाप लीजिए कि कितने दूर पर ये आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा इतना आ रहा है, तो ये 3 इंचेस होगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी इसमें लूप्स आपको बनाने हैं इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। ये इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसमें ये अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये रखिए आप घुमाकर, इस तरीके से रखना है और ये आपको इस तरीके से इसके नीचे अटैच करना है। तो ये आपको यहाँ पर सिलाई कर देनी है। इस तरीके से ही आपको सेम टू सेम हर लूप में इसी तरीके से लूप लगाकर और इसके नीचे साइड आपको इस तरीके से ये नीचे साइड रखना है और यहाँ पर इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। तो आइए हम इसकी स्टिच लगाते हैं। इस तरीके से हमने लूप्स और बटन्स दोनों अटैच कर लिए हैं। ये अभी से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब आपको ये इस तरीके से अपने नेक के बराबर इतना लंबा कपड़ा लेना है, करीब 2 इंच इसकी चौड़ाई आपको रखनी है और इसको स्ट्रेट कट कर लीजिए।
इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और अपने बैक साइड पर फिनिशिंग देने के लिए इसको हम लगाते हैं इस कपड़े को, और ऊपर से आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इसके नेक के बिल्कुल अंदर बीच में रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर इसको आपको स्टिच कर देना है पूरे में एकदम ठीक तरीके से, एकदम ये आपको एकदम सेंटर में रखना है। ये कपड़ा आपको इस तरीके से लगाना होता है। ये कपड़ा लगाने से आपके नेक में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और ये जो आपके लूप्स में इस तरीके से धागे निकलते हैं ये भी आपके नेक पर बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। तो इस तरीके से अगर हम इसे लगाएंगे तो आपके बैक साइड से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग रहेगी, वरना ये इस तरीके से लूप्स नज़र आते हैं, इसलिए हम ये कपड़ा लगा देते हैं और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हम अपना सूट और कमीज़ का गला बना सकते हैं। तो इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये इस तरीके से आपको घुमा लेना है और अब ये लूप्स और बटन्स बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए और इसके बीच में बिल्कुल आपको सिलाई लगानी होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ना आपके बटन पे सिलाई जाए और ना आपके लूप्स पर सिलाई जाए। तो इस तरीके से हटाते हुए आपको सिलाई लगानी होती है। सो गर्ल्स, मैंने इसे व्हाइट कलर की बटन्स के साथ ही लगाया है। आप चाहें तो इसे कंट्रास्ट कलर से भी बना सकते हैं, मल्टी कलर्स भी इसमें बना सकते हैं, मल्टी कलर्स की लेस लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको किसी भी कलर के साथ, पिंक कलर के साथ भी पेयर कर सकती हैं। मैंने इसे फुल वाइट ही रखा है क्योंकि हम वाइट को तो किसी के भी साथ पेयर कर सकते हैं, कभी भी किसी के भी साथ पेयर कर सकते हैं, तो वाइट तो सबके साथ जाता है, इसलिए मैंने इसको वाइट ही रखा है कि मैं इसे डिफरेंट कलर्स पर पहन सकूँ। बट आप इसे मल्टी कलर के साथ भी पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमने अपना नेक कंप्लीट कर लिया है और ये इसका बैक साइड है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। आई होप कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, खुदा हाफिज़।